राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ एक और बड़ा चमत्कार। अयोध्या में अचानक से पहुंचा सैकड़ों सांपों का झुंड। इतने सारे सांपों को देखकर लोगों में फैली दहशत। धर्मगुरु बोले, इन सांपों का संबंध नागलोक से है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही हमें इस मंदिर से जुड़े एक के बाद एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। इन चमत्कारों में एक तरफ जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं दूसरी तरफ इनसे हिंदू धर्म के लोगों की भगवान श्री राम में आस्था बढ़ रही है। बता दें कि अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर सांपों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा गया है, जिनकी वजह से पूरे इलाके में दहशत है। लेकिन दहशत के साथ ही लोग इसे राम मंदिर से जुड़ा एक चमत्कार भी मान रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नागों के साथ सीधा संबंध है और इस संबंध को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि अयोध्या में अचानक से इस तरह सांपों का दिखना मल्टीवर्स की सच्चाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रभु श्री राम का नागों के साथ क्या संबंध है? क्यों प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने सारे सांप देखे जा रहे हैं और इस पूरे मामले में मल्टीवर्स का क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप में से काफी लोगों को पता ही होगा कि हाल ही के दिनों में अयोध्या के अंदर राम मंदिर से जुड़े कई अलग अलग चमत्कार देखने को मिले हैं। पहले अयोध्या के अंदर उन गिद्धों को देखा गया जिनकी प्रजाति सालों पहले ही विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद इस इलाके में भालू दिखाई दिए, जो काफी हैरान करने वाली बात थी, और यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसके बाद अयोध्या राम मंदिर के आसपास बंदरों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दिए और अभी भी अयोध्या में लाल मुंह वाले बंदरों की एक बड़ी तादाद को देखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि रामायण के युद्ध में कई अलग अलग जानवरों ने प्रभु श्री राम की मदद की थी, जिसमें गिद्ध, भालू और वानर मुख्य थे। इसी के चलते प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा कर रहे हैं, जबकि भालुओं को जामवंत का रूप माना जा रहा है। और वानरों के बारे में तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामायण में वानर सेना का किरदार कोई भूल नहीं सकता। ऐसे में अयोध्या के अंदर दिख रहे इन वानरों को रामायण की उस वानर सेना के साथ जोड़ा जा रहा है। सही मायनों में इन सभी घटनाओं को प्रभु श्री राम, लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चमत्कारों के रूप में देखा जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि 22 जनवरी ही क्यों? इस तारीख में ऐसा क्या खास है कि यही दिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है? असल में दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस दिन का चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दें कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और 22 जनवरी 2024 के दिन मार्ग शीर्षा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में धर्मगुरुओं का ये मानना है कि अगर इस मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो भगवान राम हमेशा रामलल्ला की मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस दिन को एक बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त माना गया है और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हर साल 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। तो इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में रामायण से जुड़े अलग अलग चमत्कार दिखना शुरू हो गए हैं। इसमें वानर, भालू और गिद्ध से जुड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता बल्कि चमत्कारों की लिस्ट में एक और घटना का नाम जुड़ गया है। और वो ये घटना है कि अयोध्या राम मंदिर साइट पर अचानक से ही सांपों का दिखना शुरू हो गया है और अब तक वहां सैकड़ों नाग देखे जा चुके हैं। ऐसे में लोग इन सांपों को भी प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का साथ नागों का सीधा सीधा संबंध है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में प्रभु श्री राम के भाई यानी भगवान लक्ष्मण को अनंत शेष नाग का रूप माना जाता है और क्योंकि वो राम जी के भाई हैं तो इस तरह प्रभु राम का नागों के साथ सीधा संबंध है। जो नाग राम मंदिर में देखे गए हैं उनका कनेक्शन वासुकी और तक्षक नाग के साथ बनाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि वासुकी, तक्षक और शेषनाग तीनों आपस में भाई हैं। इसमें वासुकी और तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं, जबकि शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। अब क्योंकि भगवान श्री राम एक लंबे अरसे के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन सांपों के रूप में वासुकी और तक्षक अपने भाई शेषनाग से मिलने आ रहे हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर में दिखने वाले इन सांपों को कई बार पकड़कर जंगल में छोड़ा जा चुका है, लेकिन ये बार बार मंदिर के अंदर लौट आते हैं। इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू धर्म में सृष्टि चक्र कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, चलिए आपको इस बारे में भी समझा देते हैं। असल में दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के एक चक्र से गुजरती है, जहाँ इसके सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है, और हर एक कल्प के चार युग या यूं कह ले चार भाग होते हैं। इनमें से एक है त्रेता युग, जिसमें भगवान राम अयोध्या के अंदर जन्म लेते हैं और अपना जीवन काल पूरा करके यानी रामायण आदि से निपटने के बाद वापस पिछले युग यानी कि सतयुग में लौट जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम और आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, वही घटनाएं हमारे साथ किसी और कल्प में यानी किसी और यूनिवर्स में या तो दोबारा होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में तीन विद्वानों को ही मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की शक्ति दी, और इन तीनों में से दो यही पाताल लोक में निवास करने वाले हैं, वासुकी और तक्षकनाग, जबकि तीसरे विद्वान का नाम काकभुशुंडी है। अब हम आपको तक्षक और वासुकी के बारे में तो बता ही चुके हैं, लेकिन ये काकभुशुंडी कौन है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों की माने तो काकभुशुंडी 11 रामायण व 16 महाभारत देख चुके हैं, और इतना ही नहीं, कल्प के अंत तक ये अपने शाश्वत रूप में भी जीवित रहेंगे, क्योंकि इन्हें यह वरदान स्वयं भगवान राम से प्राप्त हुआ है। दरअसल हुआ ये कि एक बार कौवे के रूप में जन्मे काकभुशुंडी की मुलाकात भगवान श्री राम के बाल अवतार से हुई। पहले तो काकभुशुंडी बाल रूपी राम से दूर भागते रहे, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें बाल रूप में श्री राम के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए, और ऐसा होने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया, और मौका मिलने पर उन्होंने श्री राम से उन्हें ना पहचानने की क्षमा भी मांगी। प्रभु राम ने उन्हें तुरंत माफ कर दिया और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। इस पर काकभुशुंडी ने जवाब दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनके भक्त बनकर रहना चाहते हैं। काकभुशुंडी इस भक्ति से भगवान राम बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि वो इस कल्प के अंत यानी कि सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहेंगे और काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरह काकभुशुंडी को अमरता व मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का वरदान मिल गया। ये कहते हैं कि जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है तो काकभुशुंडी अयोध्या जाते हैं और एक भक्त के रूप में उन्हें एक छोटे से बच्चे से बड़े होते हुए खेलते कूदते और रामायण का युद्ध लड़ते हुए देखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि काकभुशुंडी प्रभु श्री राम की वापसी देखने के लिए अभी भी अयोध्या में मौजूद हैं, और ये भी संभव है कि अयोध्या में प्रकट होने वाले ये सांप किसी मल्टीवर्स से वासुकी या तक्षकनाग हो, जो दूसरे यूनिवर्स से ट्रैवल करके अयोध्या में अपने भाई शेषनाग से मिलने आए हों। आपको ये सुनने में काफी अजीब तो लग सकता है, लेकिन धर्म और आस्था के नजरिए से देखें तो ये सब कुछ मुमकिन है, और लोग जो अनुमान लगा रहे हैं वो शत प्रतिशत सही भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अयोध्या में होने वाली इन घटनाओं के बारे में लोग जैसा सोच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कॉमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।